तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ, पर आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर मूवी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई दोस्तों, शूटिंग अपडेट निकल कर सामने आ रही। भाई, सिकंदर मूवी की शूटिंग कब चालू होने वाली है दोस्तों? मूवी के अंदर सलमान खान का कौन सा लुक होने वाला है दोस्तों? मूवी के अंदर कितनी हीरोइन होने वाली हैं और दोस्तों मूवी के अंदर कितने विलन होने वाले हैं? भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, नया चैनल है सपोर्ट करना है। भाई साहब, दोस्तों आप सबको तो पता है कि सलमान खान को बॉलीवुड के अंदर सिर्फ एक मूवी हिट की तलाश है। भाई साहब, यहां पर देखा जाए तो कभी कभार मैं सलमान खान को देखता हूं, सलमान खान पे मुझे दोस्तों थोड़ा सा तरस आता है दोस्तों सलमान खान के फैंसों के ऊपर। सलमान खान ने ये नहीं है कि भाई बड़ी बड़ी फिल्में नहीं करी या छोटी छोटी फिल्में करी हैं या छोटी छोटी फिल्में नहीं करी या बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं दोस्तों। सलमान खान ने दोस्तों भाई साहब हर फिल्म करी है, लेकिन भाई ख़राब किस्मत और ख़राब वक्त के चलते हुए सलमान खान की अच्छी फिल्में भी जो 1000 करोड़ के लेवल की थी वो भी दोस्तों फ्लॉप हो गई सलमान खान के अहदे के हिसाब से। हाँ, ये बजट बजट निकाल लिया, लेकिन दोस्तों भाई जिस तरह का सलमान खान का अहदा है स्टारडम में, जहाँ पर सलमान खान को देखते लोग पागल हो जाते हैं, उस हिसाब से भाई सलमान खान की फिल्में दोस्तों ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो सिकंदर मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद हैं फैंस को, मेकर्स को, सलमान खान को, प्रोड्यूसर को, सबको दोस्तों भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि भाई सलमान खान शायद ऐसी पहली फिल्म होगी जो कि साउथ के डायरेक्टर के साथ दोस्तों भाई ये मूवी ला रहे हैं जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर का मुकद्दर नहीं भाई साहब, सिर्फ सिकंदर, क्योंकि भाई इस मूवी में बताया जा रहा है कि सलमान खान एक डॉन के करेक्टर में दोस्तों हो सकते हैं, डॉन का करेक्टर। भाई साहब, ये एक पहली फिल्म होगी जिसमें सलमान खान दोस्तों एक डॉन का करेक्टर प्ले करेगा, जो कि भाई जब ये स्क्रीन पर प्ले होगा ना भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों लोग मूवी नहीं देखेंगे भाई, नाचने लग जाएंगे दोस्तों, इतना पागल हो जाएंगे भाई इस लुक को देखकर। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहां पर देखा जाए तो, और ये भी बताया जा रहा है कि भाई जब इतना स्टाइलिश डॉन होगा जो कि आपने बॉलीवुड के अंदर साउथ के अंदर आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। इस मूवी की शूटिंग चालू हो चुकी है, जो कि 16 जून 2024 को इस मूवी की दोस्तों शूटिंग चालू हो चुकी है। मतलब पूरी पहले ओपनली चालू नहीं हुई थी, कुछ कुछ शॉट दोस्तों यहां पर जो मैं वीडियो बना रहा था कुछ कुछ शूट दोस्तों हो रहे थे, लेकिन दोस्तों अब जो ओपनली जो स्क्रिप्ट के हिसाब से दोस्तों मूवी चलेगी वाली शूटिंग दोस्तों चालू हो चुकी है। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो कई इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। इसके अंदर जो फीमेल हैं वो भी लीड रोल के अंदर होंगी, यानी कि दोस्तों उनका जो करेक्टर होगा वो एक तरह का करेक्टर, खतरनाक करेक्टर होगा, फोकस वाला करेक्टर होगा, जो कि फीमेल दोस्तों, यानी कि करीना कपूर, रश्मिका जो इस मूवी में होने वाली है वो एक लीड रोल में होने वाली है। यानी कि दोस्तों मूवी लिया है दोस्तों, हीरोइन साइड में पड़ी है, हीरो दोस्तों मारदार कर रहा है, यानी कि दोस्तों हीरोइन का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होने वाला है मूवी के अंदर, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। दोस्तों इसके अंदर रश्मिका और करीना कपूर फाइनल हो चुकी है मूवी के अंदर, ये 100% होने वाली है। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो अब है मेन पॉइंट इस मूवी के अंदर, सिकंदर मूवी के अंदर 3 विलन होने वाले हैं। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो 3 विलन दोस्तों, सलमान खान तीनों को मारेगा, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों सलमान खान 2 को मार देगा, एक से दोस्तों भाई लेट जाएगा, फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा, फिर भाई उसके अंदर उस विलन को मारेगा, फिर इसका भाई आएगा, इस तरह की दोस्तों यहाँ पर कहानी चल सकती है। बाकी मुझे नहीं पता दोस्तों सिकंदर 2 भी आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इस मूवी के अंदर 3 विलन होने वाले हैं भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी इस मूवी को जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं वो है साजिद नाडिया वाले। इस मूवी का बजट तकरीबन 400 करोड़ के आसपास है सलमान खान के करियर के लिए, और दोस्तों एआर मुरुगोदास जो कि फिल्म के डायरेक्टर साहब हैं इनके करियर के लिए, और दोस्तों साजिद नाडिया वालिया जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इनके करियर के लिए सबसे ज़्यादा महंगे बजट की मूवी होने वाली है सिकंदर मूवी। लेकिन दोस्तों सबको, मेकर्स को इस बात की उम्मीद है कि भाई फिल्म काफ़ी तगड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। दोस्तों मेरी भी यही राय कि भाई ये मूवी काफ़ी तगड़ी हिट हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी हिट तो हो जाएगी, लेकिन भाई दोस्तों भाई बायकॉट गैंग का मूवी दोस्तों बंद हो जाएगा। जो लोग सलमान खान पे उंगलियाँ उठा रहे हैं कि भाई अब बुड्ढा हो चुका है और उम्र हो चुकी है, मारदार से दोस्तों कुछ नहीं होता, ये होता तो सब किसी का वक्त ख़राब चल रहा होता ना, जब दोस्तों भाई कुत्ते भोंकते ही हैं, इनमें घबराने की बात नहीं है। बाकी आप सिकंदर मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। भाई साहब।